बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू, बौद्ध, ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यकों के साथ लगातार हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं। हिंसा के खिलाफ नई दिल्ली में नारी शक्ति फोरम ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मौन विरोध प्रदर्शन किया है। इस मार्च में बड़ी संख्या में प्रोफेसर, डॉक्टर, अध्यापिकाएं, महिलाएं, अधिवक्ता, बैंक कर्मी, इंजीनियर, नर्स, गृहिणी, उद्योग कर्मी, रिटायर्ड IPS, IFS और IAS महिलाएं अधिकारी शामिल थीं। मार्च में शामिल होने वालों ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश में स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस अस्थिरता का सबसे बड़ा शिकार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक बहुत ही भयावह संकट उत्पन्न हुआ और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टिम हो रहा है बांग्लादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और वहां के अल्पसंख्यक। माताओं और बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को और अल्पसंख्यकों के साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरह जला दिया जा रहा है। ऐसे में कल लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की अभिव्यक्ति करी थी। आज नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बहनें आए हैं ये दिखाने के लिए कि हिंदू समाज तो शांति प्रिय है, हिंदू समाज खास करके बांग्लादेशी हिंदू समाज तो वो है जिसने बांग्लादेश की प्रगति की गाथा में अपना पूरा योगदान करा है। जब वहां पर बाढ़ का संकट आया था तो इस्कॉन टेंपल ने भंडारा लगाया था, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों ने जो देवताओं के लिए चढ़ावा आता है वो जन कल्याण में लगाया था। हिंदू समाज वहां पर 8% है, हिंदू समाज ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहां पर मार्च कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं है, भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।